बिहार में समाधान यात्रा का बीजेपी ने मौन व्रत से दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बैठे धरने पर, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला हल्ला। बीजेपी नेता के प्रदर्शन पर सीएम नीतीश ने दिया बयान, कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर आरजेडी ने पोस्टर से दिया जवाब। धार्मिक ग्रंथ के कई चौपाइयों पर उठाया सवाल, पार्टी प्रवक्ता ने पोस्टर को बताया सही। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा भगवान श्री राम पर सवाल उठा रही है आरजेडी, आने वाले समय में आरजेडी को सबक सिखाएगी जनता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई, कहा नड्डा का बिहार से रहा है पुराना संबंध। मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दायर, बीजेपी नेताओं ने दायर किया परिवाद। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने दिया था विवादित बयान। दिल्ली में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 20 जनवरी की जगह 27 जनवरी को होगी सुनवाई। रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां, 5 पार्टियों के 2 उम्मीदवार होंगे मैदान में, 27 फरवरी को होना है मतदान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे रांची, झारखंड में हर घर नल जल योजना की करेंगे समीक्षा, केंद्रीय मंत्री का झारखंड में किया गया स्वागत। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की मुलाकात, विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, महासचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बागमारा विधायक ढुल्लो महतो को कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट में विधायक ने सरकार पर झूठे आरोप में फंसाने का लगाया आरोप, कहा जब से सरकार बदली है किया जा रहा है परेशान। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मनातू थाने के तहत मिसराव जंगल में मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली हुए फरार। छपरा के मंडौरा में प्रियंका हत्याकांड के 30 घंटे बाद भी पुलिस को नहीं मिली सफलता, मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। रांची के सुखदेव नगर में MBA के छात्र ने की खुदकुशी, पिता का आरोप धर्मांतरण के दबाव में बेटे ने दी जान, पिता के आरोप के बाद जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, कई घंटों तक करता रहा हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुपौल के मोरौना थाना पुलिस ने 4 बाइक के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे अपराधी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, नावकोठी थाना क्षेत्र के कलमपुर बांध की घटना, जांच में जुटी पुलिस। बगहा के नरवल पंचायत में पिपरा गांव में विवाहिता की हत्या, जमीन बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, ससुर और देवर पर हत्या का लगा आरोप, जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर के वैशाली में शादी समारोह में डांस नहीं करने पर बदमाशों ने नाबालिग छात्रा के शरीर में लगाई आग, पेट्रोल छिड़क कर किया आग के हवाले, अस्पताल में भर्ती। गुमला में SDO ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली टमाटर और चीनी सॉस को किया बरामद, प्रशासन ने की लोगों से घटिया किस्म के सॉस से बचने की अपील। देवघर के पालाजोरी में डकैती कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, लूटी गई गाड़ी और सामान भी बरामद। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोदाम मोहल्ले में बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी, घायल को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। जमुई में मैट्रिक का छात्र 2 दिनों से लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, थाने में मामला दर्ज। नालंदा में अगवा छात्र को पुलिस ने किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, 18 जनवरी को छात्र को किया गया था अगवा। जमुई में बेटी के जन्म लेने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर भगाया, घटना के बाद पीड़ित महिला ने SP से लगाई न्याय की गुहार। गया के इमामगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल, घटना के बाद परिजनों में मातम। कटिहार के हसनगंज से चंडीगढ़ गए युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। झरिया में मजदूर सुभाष कुमार महतो की दुबई में हार्ट अटैक से मौत, विधायक मथुरा महतो की पहल पर दुबई से झरिया लाया जाएगा शव। जमुई में करंट लगने से युवक घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा। आरा में देखा रफ्तार का कहर, आरा बढ़हरा रोड पर पिकअप ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा, 1 भाई की घटनास्थल पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर, घटना के बाद आरोपी पिकअप ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस।
अरवल शिक्षा परियोजना कार्यालय में लगी आग अब सवालों के घेरे में। इस दौरान जली ज्यादातर विवाद से जुड़ी फाइलें। विपक्ष ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पटना में दो मंजिला मकान में लगी आग जिससे मकान पूरी तरह से जलकर खाक। पालतू कुत्ते की हुई मौत। परिवार के रोग सुरक्षित। सिमडेगा में अज्ञात अपराधियों ने किया एक ट्रक और जेसीबी मशीन को आग के हवाले। जलडेगा थाने के अड़ेगा हटिया राहुल केला सेक्शन स्टेशन के पास की घटना। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राज्य में चिकित्सा कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा। मांग नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी। लोहरदगा में सदर अस्पताल के सामने पारा मेडिकल अनुबंध कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। अनुबंध कर्मी की समायोजन और नियमितकरण की कर रहे मांग। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर सीएम नीतीश के समाधान यात्रा का करेगी विरोध। बिजली की दर बढ़ने के प्रस्ताव के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। एलजेपी नेता ने कहा है कि सभी प्रस्ताव को सरकार वापस ले, कंपनियों को नहीं होगा नुकसान। सहरसा में आंगनबाड़ी की सदस्य पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर सरकार से लगाई गुहार। मांग पूरी न होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी। कटिहार में 28 पंचायतों में राशन कार्ड धारियों ने किया प्रदर्शन। आज मनगा के एमओयू कार्यालय के सामने विरोध और बिंदुओं पर मनमानी के आरोप। बौद्ध धर्म के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। दलाई लामा के आगमन पर महाबोधि मंदिर में दिखी सुरक्षा व्यवस्था। 21 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा विलास क्रूज। वाराणसी से पीएम मोदी ने किया था रवाना। क्रूज को देखने के लिए लोगों में उत्साह। धनबाद में स्थायीकरण की मांग को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी कर रहे प्रदर्शन। सीएम कार्यालय के पास दिया धरना। अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। साहिबगंज में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 500 से ज्यादा बच्चे हुए शामिल। जिले के नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित की गई थी कार्यक्रम जिसमें पहुंचे सभी लोग। लखीसराय में किसानों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने दिया धरना। डीएम से किसानों की समस्या के समाधान की कर रहे मांग। देवघर में समाज सेवियों ने भोजन बैंक को दान में दी रोटी बनाने की मशीन। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने किया मशीन का उद्घाटन। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत दी गई ट्राई साइकिल। कोडरमा में डुबरी तलैया नगर पार्षद के वार्ड नंबर 21 में सामुदायिक शौचालय की हालत तो खराब। गंदगी से लोग परेशान नहीं होती। यहाँ साफ सफाई सिर्फ सुबह शाम ही शौचालय का होता है इस्तेमाल। लातेहार में नेतरहाट के जंगलों के हाथियों का आतंक। पास के एक गांव में बच्चे को उतारा मौत के घाट। बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल। वहीं हाथियों के झुंड ने झाड़ीबार गांव में 5 घरों को भी किया है ध्वस्त। बोकारो में लगातार ठंड का प्रकोप जारी। इस बीच नेहरू जैविक उद्यान में जानवरों के लिए अलाव का इंतजाम। लोगों की भी कड़ाके की ठंड से हालत खराब। गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगी ब्रेक। मोतिहारी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मिनी मैराथन दौड़ जिसमें शामिल हुए सैकड़ों बच्चे और बच्चियां। मैराथन में दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र। दुमका में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गरफ्तार। पीड़िता के गांव के ही हैं 3 आरोपी। 14 जनवरी को नाबालिग को अगवा कर किया था दुष्कर्म। खूनी संघर्ष से धनबाद में सनसनी। सिंह मेंशन समर्थक और रघुकुल के बीच झड़प। बमबाजी और गोलीबाजी से इलाके में दहशत। भागलपुर पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ और नौगछिया पुलिस की कार्रवाई में हथियारों की खेप बरामद। साथ ही 3 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बांका में ज्ञात शख्स ने की दरिंदगी की सारी हदें पार। पोखर में जहर डालकर 6,000 मछलियों को उतारा मौत के घाट। पोखर मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मदद की गुहार लगाई। हाजीपुर में महिला सिपाहियों की बहादुरी। बैंक लूटने आए लुटेरों को खदेड़ा। 1 महिला पुलिसकर्मी घायल। जांच जारी। दानापुर में छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी में 1 युवक गंभीर रूप से घायल। जख्मी का पटना एम्स में चल रहा है इलाज। पूर्णिया में जमीन को लेकर एक भाई ने अपने जीजा पर तलवार से किया हमला। घटना में जीजा गंभीर रूप से घायल। बहन ने कहा 4 दिन पहले भी किया था मारपीट। जम्मू में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी। अभियान के तहत विभाग की टीम ने 2 दर्जन शराब की भट्टी को किया नष्ट। मौका देखकर फरार हुए तस्कर।
बिहार में वसूली करते पुलिस जवान का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स से की जा रही थी अवैध वसूली, आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ मामला दर्ज। बेगूसराय में अलग अलग थाना क्षेत्र में दो की हत्या, दो हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी, पूरी घटना की जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ में बम बनाने के दौरान जबरदस्त धमाका, हादसे में एक शख्स घायल। झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद, पुलिस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में मचा हड़कंप। नवादा में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई, छापेमारी कर 1000 लीटर शराब की जब्त। नोटिस जंगल से की जा रही थी तस्करी।